जो कने और काला गोरा लार देव के अंगद हनुमत के उतारे नौकली तेल का भिजिया ताजना हाँ भेरू जी चाल रिया देखो जो है नगर गोठा के माये आइए एक भजन भेरू जी का भेरू मत वाला मारा हरे भेरू मत वाला भेरू जी ये अरे रानी के दरवाजे ये गुजर की जालो देगी रे भेरू मत वाला ये गुजर की जालो आए खुदा बजीरा ले बजीरा
आइए उस समय भगवान देव नारायण गोठा नगरी में बाबा रूपनाथ जी सहित पहुंचिया। बाबा रूपनाथ ने अषाढ़ सुदी पूनम को गुरु ने गोठ में नांगल कीनो और सूरज युगता पड़वा के दिन भालो रूप बादीनो। बाकी एक और विशेष सूचना है, अनि सात धन की कथा में देव नारायण भगवान ने खेड़ो बसा दी, पर निवेदन एक और है कि जो चंदाव लिखाड़ियो जो बाकी रिया, मैं नहीं कह रहा हूं ये समिति वाले का आग्रह निवेदन है कि जो अभी चंदो बाकी रियो है वो अभी यानी दो घंटा के अंदर अंदर देनो है। तो जिनने जिनने लिखाड़ियो है जिनकी तरफ बाकी है भी दे सके अभी। बोलो देव नारायण भगवान की जय। उसी समय हेलो अड़मे थोड़ा बेज ज्यादा लाग रही। हेलो हरिओ हेलो श्री राधे। डबल आवाज कम करो थोड़ी। बाबा रूपनाथ जी पुष्कर राज से जल मंगाड़ियो हाँ। और देव नारायण भगवान को राज्य अभिषेक करियो। खेड़ा की कटाड़ी सब खेजड़ी और हिरण का हटाई दिया बासे। सवाई भोजरी गादी का पूजन करे और भगवान देव नारायण को बैठाड़ दिया सवाई भोज की गादी के ऊपर। जय हो गोठा नगरी में हो रिया मंगला चारे। कभी यो विचार नहीं करनो है कि आज दुख है तो कल सुख नहीं होवे, और कभी ये विचार भी नहीं करना कि आज सुख है तो कल दुख नहीं होवे। इस सुख दुख तो जीवन का दो पहलू है, आता जाता रहे। बाकी सुख में क्योंकि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमरण कर ले तो दुख काहे को होए। जय हो तो ध्यान रहे सुख में भी परमात्मा ही नहीं भूलनो, दुख में तो भूला ही नहीं, बाकी सुख में भी नहीं भूलनो तो दुख होने को कोई कारण ही नहीं है। माता साड़ू कितरो संकट देखियो। आखरी में उजड़ खेड़ो पाछो बसियो। क्यों बसियो? कि उसने सत्य नहीं छोड़ी। सत मत छोड़े सूरमा सत छोड़िया पत जावे और सत की वांदी लक्ष्मी फेर मली घरे आये। केवे के पोथी पड़ पड़ जगमोवा हाँ। पंडित भयाना।